अच्छा ये दूसरा जो बकरे की खल है या दूसरे की कट्टे की खल है इन थोड़ी मुख्तलिफ खल होंगी कि इस तरह ही होंगी कट्टा जिम्मे कट्टा करते खल लाने जी अच्छा 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 हाँ गोश्त पकता पकता काला हो जाएगा तो फिर की पाते काला ना हल्दी ज्यादा पाते हां आपने ये खबरें तो सुनी होगी कि गधे का गोश्त लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई किया जा रहा है। हमारी कोशिश थी कि हम उन कसाईयों को लाइव देखें, लाइव पकड़ें, उनकी वीडियो बनाएं, फिर आपको दिखाएं कि गधा कैसे ये ज़िबा करते हैं, उसकी खाल कैसे उतारते हैं, फिर उस गधे का जो गोश्त है कैसे लाहौर और गिरदोनवा में सप्लाई होता है और फिर गधे और बकरे के गोश्त में क्या फ़र्क होता है। हमारे रिपोर्टर हैं जनाब इस्लाम कंबो साहब, चौधरी इस्लाम कंबो साहब, उन्होंने ये वीडियो बनाई है, ये ज़रा देखें कि उन्होंने इस मीरू कसाई का इंटरव्यू भी किया है और वो इसकी अफादियत और सारे जो हैं वो बता रहा है कि इसका रंग किस तरीके से बदलता है। ये ज़रा पहले वीडियो देख लें आप। नहीं नहीं कोई गल नहीं नहीं कोई गल नहीं जनाब ये कड़ी गल ओहो अच्छा ये दूसरा जो बकरे की खल है या दूसरे की कट्टे की खल है इन थोड़ी मुख्तलिफ खल होंगी कि इस तरह ही होंगी कट्टा जिम्मे कट्टा करते खल लाने जी अच्छा 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 हाँ हाँ गोश्त कट्टे का गोश्त की फर्क होंगे पकाने मिसाल भी किस तरह जजमेंट होगी कि कट्टे का इनका गोश्त पकता पकता काला हो जाएगा तो फिर वो बिच की पाते हैं जिंदा काला ना आए हल्दी ज्यादा पाते हैं हाँ मकसद अगर गोश्त पकेगा तो यह मतलब काला आ जाता काला आ जाएगा तो फिर अगर मतलब आम बंद तो जजमेंट हो जाती काला हो गया तो फिर की पाते हैं फिर गोश्त जो फिर रंग ठीक रहा गल भी जाता अच्छा 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 जनाब ये हमारे माशाल्लाह वार बटन के बड़े बेताज बादशाह जनाब चौधरी अमीर और अमीरू कसाई है। ये जनाब जी आपके सामने ये गधा है जिसे हम डोंकी भी कहते हैं। ये जनाब जी माशाल्लाह बड़ी ही महारत के साथ छुरी का चलाना जनाब जी बड़ा माहराना अंदाज के साथ जनाब जी चला रहे हैं और इन्होंने इन्होंने एक मशवरा भी दिया मुझे और हमारे इलम में नहीं था कि यानी कि ये चीज़ भी होगी मगर आज उन्होंने हमारे इलम में इजाफा किया कि जनाब जी ये गधे का जो गोश्त होता है ना दूसरे कट्टे का गोश्त या दूसरे बकरे का गोश्त या उसमें इसमें फ़र्क क्या है। तो इन्होंने मुझे बताया कि जनाब जी जो गधे का गोश्त है अगर ये जब पकाते हैं तो ये काला थोड़ा सा होना शुरू हो जाता है तो काला होने के बाद मैंने कहा कि ये फ़र्क तो फिर महसूस होगा। इन्होंने कहा कि इसमें जो चीज़ें होती है रंग काट और मीठा सोडा और एक दो और चीज़ें जो है ना इन्होंने मुझे बताई हैं कि अगर वो इसमें डाला जाए तो गोश्त का रंग जो है चेंज नहीं होगा, टेस्ट भी ऐसे होगा जैसे बकरे का गोश्त है, बकरे से ज़्यादा इसका लजीज गोश्त हो जाता है।
तो माशाल्लाह ये हमारे वारबटन के कसाई हैं, तो बड़े नामग्रामी कसाई हैं यहाँ पे वारबटन में। माशाल्लाह इनका एक नाम है, इनकी एक पहचान है। तो गधे का गोश्त जो है वारबटन की हल्का हिबाब में माशाल्लाह गर्दश में। तो अब मैं ज़रा ये बात कराऊंगा अपना मीरू कसाई से कि ये बिल्कुल हाथ में छुरी है, वो बताएंगे कि जो होता है इसमें कौन कौन सी चीज़ डालने से इसका जो है ना कलर चेंज हो जाता है। जी मीर साहब ज़रा प्लीज़ नाज़रीन जो हमारी, नहीं 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 ऐसा कोई मसला नहीं आप, ये मैं कौन सा ये किसी को बताने लगा, वैसे ये इनका हमारे इलम में इजाफा, नाज़रीन आवाम के इलम में इजाफा होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा बताना पसंद फरमाएंगे, इसमें कौन कौन सा रंग की बात कर रहे हैं आप, कौन सा डाला जाता है? क्रीम जो पेंदा यार, थोड़ा सा इधर 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 थोड़ा सा, जी जी बोले यार, सोडा पांदे ने, हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है, क्रीम पांदे ने, जी ठीक हो गया, रंग कार्ड ठीक है, ये डालने से गोश्त का रंग चेंज हो जाता है और पकाई में ऐसे जैसे बकरा बकरे का बनता है, बकरे से ज्यादा टेस्ट बनता होगा, ये खा जाते हैं लोग बिल्कुल पता नहीं चलता, ठीक हो गया। यार ये हमारे कसाई हैं नाज़रीन, ये माशाल्लाह बड़ा टैलेंट है इनमें जनाब, इन्होंने आज दिल की बात की। तो अब बताएं यानी कि हम इस चीज़ को कहाँ पे कैसे लेंगे, ये वारबटन के हल्का अहबाब में माशाल्लाह ये गधे का गोश्त हो रहा है और इन्होंने तरीकाकार भी बता दिया। तो अब बताएँ कि वारबटन की आवाम जो है कि वो अब क्या करेगी और कहाँ से गोश्त लेगी और किस कसाई पर इतबार करेगी, अब कौन सा कसाई जो गोश्त अच्छा करता है, कौन सा गोश्त कैसे करता है, ये आपके आंखों सामने ये वीडियो बन रही है। ये माशाल्लाह मीर कसाई का इंटरव्यू भी आप लोगों ने सुना कि यानी कि गोश्त में ये चीज़ें डालने से बिल्कुल मालूम नहीं होगा, होटलों में गोश्त फलां जगह पे होटल यानी कि ऐसे ऐसी चीज़ें मुख्तलिफ होटलों में ये गोश्त सेल होता है, कसाई जनाब गोश्त सेल कर रहे हैं, तो ये आपके सामने सबूत प्रूफ है। तो आप बताएँ कि ये अवाम क्या आएगा, गवर्नमेंट कैसे एक्शन लेगी, कौन क्या करेगा, वारबटन का क्या हाल है। तो लोग जो हमारे साफ़ी भाई हैं वो मतलब खबरें लगाते हैं, फलां कसाई जो है गोश्त अच्छा देता है, फलां गोश्त अच्छा देता है, तो फलां ये करता है वो करता है, ये आप देखें आपके आंखों देखा हाल, आपके सामने ये जनाब आपके सामने माशाल्लाह ये मीरू कसाई जिसका मशहूर, ये देखें ये छुरी पड़ी हुई है, ये देखें ये छुरी के साथ तेज़ कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी बात है ये, क्योंकि इसने दिल की बात की, ये दरवेश आदमी है तो इसका कसाइयों के साथ मतलब कसाइयों के साथ रबता है, बल्कि सारे कसाई आपके जानने वाले हैं, तलक वाले हैं सारे, बिल्कुल जी ये सारे कसाई इसके जानने वाले तलक वाले हैं। तो बस ये सबको जो आर्डर पे गोश्त होता है तो ये सब भाइयों को गोश्त देते हैं। तो अब आपके सामने यार, तो अब देखा जाएगा फिर क्या बनता है क्या नहीं बनता है, ये आपके सामने मिसाल है। मीरू तो गोश्त वगैरह जो करते जो कि कसाई में देंदे जे जाके, नहीं नहीं जरा गोश्त वगैरह लिया जे बहरों चंगा वो कि कसाई में ज़्यादा देंगे जे, और रेडी तक है पुत्र है जी। तो नाज़रीन आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले आपने सुना भी होगा कि कई ऐसे शादी हाल थे जहाँ पे गधे का गोश्त पकड़ा गया, फिर उसके अलावा लाहौर में तो इसकी धूम थी कि गधे का गोश्त सप्लाई किया जाता है, और फिर मीरू ने जो पूरा नेटवर्क बताया है वो हम अगले प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि मीरू कहाँ पे सप्लाई करता है। इसके बावजूद कि लाहौर में फूड अथॉरिटी ने बड़े छापे मारे, कई ऐसे लोगों को पकड़ा जो मुर्दा गोश्त और इसके अलावा ये गधे का गोश्त सप्लाई कर रहे थे, कहा यह जाता था कि ये गोश्त जो है लाहौर और गिरदोनवा में सप्लाई करके इसकी खाल जो है वो चाइना भिजवा दी जाती है, लेकिन मीरू का ये कहना है कि ये गोश्त चूँगे बकरे के गोश्त की तरह टेस्टी होता है और इसका रंग बदलने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी उनको पता है, लिहाजा हम बहुत जल्द आपको आगाह करेंगे कि ये कसाईयों का ग्रोह कौन सा है जो गधे का गोश्त लाहौर और उसके दूसरे शहरों में फ्राहम करता है। चूँकि ये बड़ी स्टोरी है, आप देखते हैं कि इस स्टोरी के ऊपर हमारी फूड अथॉरिटी जो है वो क्या एक्शन लेती है, हमारी पंजाब हुकूमत क्या करती है, लेकिन आप ये देख लें कि गधे और बकरे के गोश्त में क्या फ़र्क है, उसका जायका क्या है, उसका रंग क्या है, ये ज़रा आपने मीरू कसाई की ज़ुबानी आपने सुनी लिया होगा। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ बल्कि हिट स्टोरी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।